चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके बाद हम न्यूमेरिकल पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। और मैंने पहले बताया कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, तो आज इसी टॉपिक में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। आपके एग्जाम फ्री में एक नंबर का डिफिनेशन पूछ लेता है या आपके एग्जाम में एक रिएक्शन रेट ला दिया रहेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लेगा या रेट ला दिया रहेगा, वहाँ पे के यूनिट पूछ लेता है। यहाँ पे डिफिनेशन समझिएगा कि द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट ला एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मीन्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो जो कंसंट्रेशन आपके रिएक्टेंट की जो पावर होता है उसी का आप क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मीन्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कोई भी आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है उसके पावर जो होता है उसी क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। एक बात भी समझिए, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट ला एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप जब रेट ला लिखते हैं तो रेट ला क्या होता है, रेट ला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और उसके जो पावर होता है। जब आप रेट ला क्या होता है, रेट ला क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और उसके जो पावर होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो हम बात करें कि फॉर जनरल यहाँ पे इक्वेशन लिखा गया है ए प्लस बी सी प्लस डी। तो यहाँ पे जब रेट ला लिखते हैं, रेट क्या होता है, रेट के ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई होता है। तो यहाँ पे एक्स और वाई क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स होगा, बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वाई होगा। और टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एक्स प्लस वाई। ये आपका रेट ला एक्सप्रेशन है, मैंने डिस्कशन किया था। एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इसके पावर क्या एक्स है, इसके पावर क्या वाई है, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आ रही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपका जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मीन्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपका जीरो, वन, टू, थ्री, वन बाय टू, थ्री बाय टू, फोर बाय टू और नेगेटिव में भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट मैंने बताया। दूसरा जो आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। मीन्स किसी भी रिएक्शन को देख के आप उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते, इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये होगा। मीन्स हमारा जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। मीन्स बिना एक्सपेरिमेंट किए आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं बता सकते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, जीरो भी हो सकता है, वन टू थ्री फोर भी हो सकता है, वन बाई टू, थ्री बाई टू, फाइव बाई टू, नेगेटिव। मीन्स आपका फ्रैक्शनल में भी हो सकता है, इंटीजर में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में होता है। और क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं होता है। मीन्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे आपका लिखा है रेट के ए की पावर टू, बी थ्री की पावर टू, ये आपका रेट लिखा गया है। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वन बाई टू, बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, थ्री बाई टू। तो टोटल इस रेट का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में प्लस बी के रिस्पेक्ट में, वन बाई टू प्लस थ्री बाई टू इक्वल क्या आया, टू। यहाँ पे आपके एग्जाम ऐसे दिया रहेगा और पूछ लेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आंसर क्या बताएंगे, टू बताएंगे। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों। चलिए आगे इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो डिफिनेशन आप लोग नोट कर लिए होंगे कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आप जो रेट ला एक्सप्रेशन लिखते हैं,
जो कंसंट्रेशन की पावर होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, या आपको 0, नेगेटिव 1, 2, 3 इंटीजर फ्रैक्शनल किसी भी फॉर्म में पाया जाता है। बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। चलिए अब आगे इसमें थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, आपके सामने इक्वेशन लिखा गया है, क्या लिखा है, H2+L2C2HCl और यहाँ पर रेड के मीन्स यहाँ पे बात फिर समझिए, आपके पेपर में इसमें लिखा है H2Cl2, यहाँ पे 2HCl, इसका जो रेड होता है, इसका जो रेड होता है क्या होता है, के के होता है। के का मतलब यहाँ पे क्या होगा, के होगा मीन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, मीन्स यहाँ पे कौन सा होगा, जीरो वाटर होगा। मीन्स रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्टेंट है ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिया गया, पेपर में सिर्फ रेट और के लिखा गया है, मीन्स हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, जीरो ऑर्डर होगा। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, पेपर में दिया है H2+Br2C2HBr, इसका जो रेट होगा, आज पेपर मेंशन होगा रेट क्या होगा, के H2Br1/2। तो यहाँ पे H2 पावर क्या होगा, 1। पूछेगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 1 और ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में 1/2, तो क्या हो जाएगा 1+1/2 क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, या 1.5 आ जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं रेट के H2Br2 1/2 ऐसे इक्वेशन दिया रहेगा, नीचे रेट ला लिखा रहेगा, पूछ लेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताना है, क्या आ जाएगा 3/2। अगर इसकी यूनिट निकालना हो बच्चों तो यूनिट कैसे निकालते हैं, फार्मूला आप बताए थे, मोल 1-m लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। तो मोल की जगह क्या लिखेंगे, मोल 1-3/2 लीटर 3-2 सेकेंड इनवर्स, मोल 1-3/2 लीटर 3/2-1। एन एन क्या बता रहा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फार्मूला है, मोल 1-3/2 लीटर 3/2-1 सेकेंड इनवर्स, मोल 1-3/2 लीटर 3/2-1 सेकेंड इनवर्स। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको यूनिट पता चल जाएगा। चलिए आगे आ जाइए बच्चों, आगे आपके सामने रिएक्शन लिखा गया है, और रिएक्शन क्या है देखिए, H2+I2 से क्या बनना है, यहाँ पे 2HI, इसके लिए आपको क्या निकालना है, रेट ला दिया गया पेपर में, क्या दिया गया, के H2I2 दिया गया है, मतलब इसके पावर 1 इसके पावर 2, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे 2 होगा, क्या होगा बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए तीसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे पेपर में दिया गया है CO+Cl2 से CO Cl2, ये पेपर में दिया गया है। अब यहाँ पेपर में इसका रेट क्या लिखा गया है, रेट क्या लिखा है, के CO के पावर 2 और Cl2 के पावर 1/2। यहां पर आपको ऑर्डर बताना है, 2+1/2 कितना आ जाएगा, 5/2, या क्या बोल सकते हैं बच्चों, 2.5। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए एक और कराते एग्जांपल, यहां पर दिया गया है CO Cl2 से CO+Cl2, ये पेपर में दिया गया है,
और इसका रेट क्या लिखा गया है, रेट लिखा गया बच्चों के सी ओ सी एल टू, और यहाँ पे क्या लिखा गया थ्री बाई टू। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, थ्री बाई टू, आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए इतने पॉइंट नोट करिए, अब हम आ जाते हैं एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर लेते हैं। एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम है उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आ जाइए आप थोड़ा सा एनसीईआरटी के आप ओपन करिए, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट देखे दिया गया, लिखा है फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। दो चीज़ पूछा गया है, पेपर में आपको दिया गया है वहाँ पे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है और यूनिट बताना है, डायमेंशन इज रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट बताना है। टोटल चार प्रॉब्लम दिए गए हैं, चार में से हम आपको दो करा दे रहे हैं और एक आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो पहला जो प्रॉब्लम दिया गया है यहाँ पे क्या लिखा गया, थ्री एनओ, थ्री एनओ से क्या दिया गया है एन टू ओ, और इसका जो रेट लिखा गया है, रेट पेपर दिया गया कि एनओ के पावर टू दिया गया, एनओ के पावर टू दिया गया है, ये रेट आपको दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, टू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों, टू। और यूनिट कैसे निकालते हैं, मोल वन माइनस वन लीटर एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स, मोल वन माइनस टू लीटर टू माइनस वन सेकेंड इनवर्स, जो कि आपको निकाल चुके हैं। सेकेंड वाले में दिया गया एच टू ओ टू प्लस थ्री आई टू, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों, टू होगा। चलिए थर्ड वाले का क्या दिया गया, थ्री बाई टू। फोर्थ वाले का आंसर क्या होगा, फोर्थ वाले का आंसर क्या होगा बच्चों, वन होगा। समझ में आ रहा होगा, पेपर में रेट लिखा हुआ है, अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यूनिट बताना है, दोनों चीजें आपको बता चुके हैं। चलिए आ जाइए आगे, हम डिस्कशन कर लेते हैं आगे। अब यहाँ पे समझना बच्चों ये न्यूमेरिकल्स है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स है। चलिए पहले यहां समझिए क्या है। देखिए यहां पे एक फार्मूला होता है, लिखा फॉर ए रिएक्शन पी से क्यू दिया गया है, द रेट बिकम एट टाइम, आपका जो रेट है आठ गुना हो जाएगा, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द पी इज डबल, पूछा गया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है। अब जब भी आपके पेपर में रेट ऑफ द रिएक्शन, बहुत सीधा सा कंसेप्ट बता रहे बच्चों, आप इसी फार्मूले को लगाएंगे, इसी फार्मूले से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बाकी एनसीईआरटी या किसी अदर बुक के कंसेप्ट पे मत जाइएगा, वो अलग बुक वाले अलग अलग कंसेप्ट से आपको बताएंगे, जो कि आपको तरीका नहीं समझ में आएगा। आली वन में भी पढ़ेंगे और सारे एनसीईआरटी में या अलग अलग बुक में पढ़ेंगे, अलग अलग फार्मूले बताएंगे। तो आपको मैं एक सीधा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, बस आप उसी को आप सॉल्व करेंगे ना, आप देखेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा गया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जब पेपर में रेट और कंसंट्रेशन दिया गया है तो वहाँ पे फार्मूला लगाते हैं आर वन अपान आर टू इक्वल सी वन अपान सी टू के पावर एन, ये होता फार्मूला। देखिए बहुत ही आर वन क्या इनिशियल रेट फाइनल रेट, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन, अब देखिए कितने आसानी से हो जाएगा। करा फॉर ए रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन दिया गया पी से क्यू, मतलब रिएक्टेंट दिया गया, द रेट बिकम एट टाइम, मतलब जो रेट है हमारा आठ गुना हो गया, हमारा जो रेट है कितने गुना हो गया बच्चों, आठ गुना, मतलब अगर इनिशियल वन होगा तो उसका आठ गुना होगा, बिकम एट टाइम, तो यहाँ पर इनिशियल आपका एक होगा तो उसका आठ गुना क्या होगा, वन अपान एट इक्वल, यही कह रहे द रेट बिकम एट टाइम, कब आठ गुना होता है, जब कंसंट्रेशन ऑफ द पी डबल, सी वन आपका वन होगा उसका डबल, तो सी आप क्या लिखेंगे वन अपान टू की पावर एन, यही होगा
रेट क्या हो गया 8 गुना। कब 8 गुना हुआ? जब आपने कंसंट्रेशन कितना कर दिया, डबल। ये तो समझ में आ, यहाँ एन क्या होता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए 1/2 की पावर n लिखा गया है, यहाँ पे भी आपको 1/2 लिखना है। तो कैसे 1/2 लिखेंगे, 1/2 की पावर क्या कर दीजिए, 3 इक्वल 1/2 की पावर n। देखिए दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या दिया गया, 1/2 की पावर n, तो यहाँ पे भी वही चीज करिए, 1/2 के लिए इसके पावर क्या कर देंगे, 3। आपका यही आंसर आएगा, 1/2 की पावर 3 मतलब क्या, 1/8। 1/2 दोनों इक्वल हो गए, अब इक्वल हो गए तो यहाँ चेक करिए एम बराबर कितना आ रहा है, 3। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, आपको C1 C2 R1 upon R2 equal C1 upon C2 power n 1/2 1/8 था, 1/2 आप करना तो 1/2 upon 3 कर देंगे, आपका एम बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए कुछ अगले प्रॉब्लम पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए नोट करिए बच्चों, आपका जो प्रॉब्लम दिया गया है, आपसे पूछा गया है लिखिए प्रॉब्लम लिखा गया है फॉर द गिवन रेट एक्सप्रेशन, फॉर द गिवन रेट एक्सप्रेशन लिखा गया है k a की पावर 3/2 और b की पावर -1। a की पावर 3/2 b की पावर -1 द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों बताना है, तो कैसे बताएं, क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या हो जाएगा बच्चों, 3/2 -1, यहाँ पर आ जाएगा 3 -2/2 मतलब क्या, 1/2 मतलब हाफ हो जाएगा। सिंपल सा देखिए, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रॉब्लम पे हम बात कर लेते हैं। पूछा गया है द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द nth ऑर्डर, nth ऑर्डर की यूनिट क्या होती है, मोल 1 - n, लीटर n - 1, सेकेंड इनवर्स। आ जाइए अगले प्रॉब्लम पे डिस्कशन करते हैं। चलिए बच्चों यहां समझिएगा, लिखा गया है फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, आपका एलिमेंट्री रिएक्शन दिया गया है, न्यूमेरिकल आप नोट करते जाइए एम से एन, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन एम से एन द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एम, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एम इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ ए अपॉन डबलिंग ऑफ द कंसंट्रेशन एम। कह रहा है पॉइंट सुना बच्चों, कह रहा है कि फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन एम एन द रेट या डिसअपीयरेंस ऑफ एम इंक्रीजेस बाई फैक्टर ऑफ ए अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एम द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एम, मतलब इसका रेट क्या हो जा रहा है बच्चों, डबल। कब, जब, सॉरी रेट क्या हो जा रहा है, 8 गुना। कब, जब कंसंट्रेशन आपका क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, तो वहां पर रेट ऑफ द रिएक्शन आपको बताना है। बस अभी आपको जस्ट बताए हैं वही है, R1/R2 = C1/C2 की पावर n 1/8 1/2 की पावर 1, यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। इसको नोट करिए, समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए एक आप पूछा गया बच्चों, पूछा गया व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज द रेट कांस्टेंट, मतलब केक देखिए, एक केक की वैल्यू दी गई है, लिखा है 3.2 × 10⁻⁴ और यहाँ पे लिखा गया है लीटर मोल -1
secant inverse ये लिखा गया है। अब पूछा गया है कि हमारा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, लीटर मोल माइनस वन सेकेंड इनवर्स। आपको पता होगा बच्चों मोल वन माइनस वन लीटर एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स, ये आपका सेकेंड ऑर्डर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर सेकेंड रखेंगे तो वन माइनस वन मोल आएगा, वन माइनस टू मोल इनवर्स आ जाएगा, लीटर टू माइनस वन लीटर आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। लीटर मोल माइनस वन सेकेंड इनवर्स किसका होता है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। एक आपके एनसीईआरटी इंडेक्स का ही प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम है बच्चों ये दिया गया है, रेट लिखा गया है के, क्या लिखा गया है रेट में के ए वन बाई टू बी लिखा गया टू। पूछा गया है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है वन बाई टू, ए की रिस्पेक्ट में क्या दिया वन बाई टू, बी की रिस्पेक्ट में क्या दिया है टू दिया गया है, दोनों को आप क्या करिए ऐड कर दीजिए, वन प्लस टू कितना आ जाएगा बच्चों फाइव बाई टू आ जाएगा। तो चीजें समझ में आ रही होंगी, इससे डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है, इसको आप नोट करिए, इसके बारे में बात करेंगे बच्चों मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, इसको नोट करिए, मॉलिक्युलरिटी पे डिस्कशन करते हैं। चलिए बच्चों बात करें थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, अब आगे हम बात करेंगे मॉलिक्युलरिटी क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी में आप एग्जाम में डिफरेंशिएशन पूछता है कैसे डिफरेंशिएट करोगे, और मैंने पहले बताया कि किसी भी रिएक्शन को देख के आप उस रिएक्शन का आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है एक्सपेरिमेंटल होता है, लेकिन जो मॉलिक्युलरिटी क्या होता है वो बहुत थ्योरेटिकल होता है। किसी भी रिएक्शन को देख के आप बता सकते हैं किस मॉलिक्यूल की मॉलिक्युलरिटी कितनी होती है। तो पहले डिफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि मॉलिक्युलरिटी का डिफिनेशन क्या है। तो मॉलिक्युलरिटी में होता है पॉइंट को सुना बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम या आयन कोलाइड इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड ए मॉलिक्युलरिटी। मींस हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है कि जो हमारा रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए। तो कितने एटम मॉलिक्यूल या आयन जो है कोलाइड हो रहे हैं हमारे एलिमेंट्री रिएक्शन में वही कहलाती है उसकी मॉलिक्युलरिटी। मीन्स नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स या आयन जो होंगे वो हमारे जो रिएक्शन में कोलाइड हो रहे हैं वही कहलाता है हमारा मॉलिक्युलरिटी कहलाती है। पहला पॉइंट कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम आयन्स कोलाइड इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। जैसे आप कोई रिएक्शन करा रहे हैं कितने मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं जो हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं वही कहलाता है मॉलिक्युलरिटी, पहली बात। दूसरा यहाँ लिखा है मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी निगेटिव जीरो या फ्रैक्शनल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी कभी भी आपका न तो निगेटिव में होगा, न तो जीरो होगा, न तो फ्रैक्शनल में होगा। जैसे बात करें वन बाई टू थ्री बाई टू फाइव बाई टू हमारा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट अगर बात करें तो आपका जो मॉलिक्युलरिटी होता है वह थ्योरेटिकल होता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है बच्चों एक्सपेरिमेंटल होता है। अब आ जाइए लास्ट पॉइंट, मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू थ्री। मॉलिक्युलरिटी हमारा या तो वन होगा या टू होगा या तो थ्री होगा, ना तो जीरो होगा ना मोर देन थ्री होगा, क्योंकि मोर देन थ्री जाता है तो वहाँ पे कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए अगर कभी आपसे कुछ पूछा जाए तो मॉलिक्युलरिटी या तो तीन होगा या तीन से कम, लेकिन कभी भी मोर देन थ्री आपका नहीं होगा। ये तीन पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया एन एच फोर एम ओ टू से क्या बन रहा है एन टू प्लस ओ टू, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है बच्चों डीकम्पोजिशन हो रहा है। कितने मॉलिक्यूल हैं NH4NO2 के, कितने मॉलिक्यूल हैं एक, इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या कहलाएगी, इसकी मॉलिक्युलरिटी वन होगी। यहाँ पे O2F2 का जब डीकम्पोजिशन हो रहा है तो
51 O2 plus F2, तो कितने मॉलिक्यूल लिए गए इसके, 1, तो यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी बच्चों, 1 होगी। अब आगे समझना चाहोगे, यहाँ पे लिखा है 2HI, इसका जब डिकम्पोजिशन हुआ क्या बना है, H2 plus I2, तो यहाँ पे HI के कितने मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल। जब 2 मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं तो हमें क्या मिला, H2 plus I2, मींस यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलरिटी बच्चों क्या होगी, 2 होगी। चलिए यहाँ पे देखिए कितने मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल NO के, 1 मॉलिक्यूल O2 का, टोटल कितने मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल। यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 3 होगी। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा गया है 2N2O2 से क्या बन रहा है, 2N2O4 प्लस O2 बन रहा है। पॉइंट सुना बच्चों, यहां पे देखिए एक फॉर्म दिया गया है, यहां पे देखिए क्या लिखा गया है, 2N2O2 से क्या बन रहा है, 2N2O4 प्लस O2। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए किसकी मॉलिक्यूलरिटी बताइए और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, इस रिएक्शन का जो रेट लॉ होता है, इसका जो रेट होता है वो क्या होता है, K N2O2 होता है, इसका जो रेट लॉ होता है, रेट क्या होता है, K N2O2 होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी बच्चों, 2। कितने मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल कोलाइड हो क्या बना रहे हैं, N2O4 और O2 बना रहे हैं। यहाँ पे आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा, तो चलिए यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा बच्चों, 2। अगर पूछा गया इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। बात समझ में आ रही, चलिए इसको नोट करिए, अगले एग्जांपल पे आ जाइए। जैसे आपके पेपर में दिया गया है H2 प्लस Cl2 से क्या बन रहा है, 2HCl, इसका रेट क्या है, रेट क्या है, K, ये लिखा गया। तो ध्यान से बेटे, यहां पे इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, तो यहां पे मॉलिक्यूलरिटी क्या बताएंगे, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी बच्चों, यहां पे 2। यहां पर रेट पर क्या लिखा है, K, मतलब कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं दिया गया है, तो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे आपका 0 होगा। और ये आपसे पूछा जाता है कि H2 प्लस Cl2 से 2HCl बनता है, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2 होगी, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे आप एग्जाम में सॉरी यहाँ पे N2O5 होगा, N2O5, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2, तो 1 के लिए यूनि मॉलिक्यूलर, 2 के लिए क्या बोलेंगे, बाई मॉलिक्यूलर, और 3 के लिए क्या बोलेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है, तो क्या कहलाएगा, बाई मॉलिक्यूलर। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। कौन सा ऑर्डर होगा बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। इस एग्जांपल को आप याद कर लीजिएगा, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। आपको जब जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर बताएंगे तो वहां पे एग्जांपल बताएंगे कि कौन सा हमारे जीरो ऑर्डर के हैं, कौन सा हमारे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। चलिए आ जाइए कुछ प्रॉब्लम पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए आपके CBSE का जो प्रॉब्लम है, लिखा गया फॉर ए रिएक्शन, क्या रिएक्शन लिखा गया देखिएगा, चलिए
देखिए रिएक्शन लिखा गया है H2 प्लस Cl2 से, देखिए देख अच्छा H2 प्लस Cl2 H2SO4 लिखा गया है। नीचे लिखा गया रेट, रेट इक्वल क्या लिखा गया के, पूछा गया है राइट द ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी एंड यूनिट ऑफ के, तो रेट इक्वल के दिया गया है, कौन सा ऑर्डर अब एक्शन होगा जीरो, मॉलिक्युलरिटी क्या होगी टू, यूनिट क्या होगी जीरो ऑर्डर का, फार्मूला लगा लीजिए मोल वन माइनस एन लीटर एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स, समझ में आ रहा होगा। चलिए आ जाइए अगले एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ओपन कर लीजिए। लिखा क्या गया है कि ए रिएक्शन इज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, कोई रिएक्शन दिया गया वो सेकेंड ऑर्डर का रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। अब पॉइंट को सुनना बच्चों, जैसे यहाँ पे कोई आपका रिएक्शन है आर, आर से क्या बन पी, पॉइंट जब रेट इक्वल क्या हो के आर की पावर जीरो, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा जीरो ऑर्डर कहलाएगा। जब रेट के आर की पावर क्या बोला हो वन, ये आपका होगा जीरो ऑर्डर, ये आपको कौन सा ऑर्डर आप रिएक्शन होगा फर्स्ट ऑर्डर। आपसे कहा जाए रेट, कहा जाता सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा के आर की पावर टू, ये कराएगा आपका सेकेंड ऑर्डर। आपसे कहा थर्ड ऑर्डर के बारे में पूछ लिया जाए तो रेट क्या बोलेंगे के आर की पावर थ्री, ये आपका थर्ड हो गया। आपसे कहा जाए वन बाई टू, तो वन बाई टू के लिए क्या लिखेंगे के आर वन बाई टू, ऐसे लिखा जाता है। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है कंसंट्रेशन की पावर जो होता है वही माना क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये आपके एनसीईआरटी का है, इसको अच्छे समझिएगा। तो रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, यहां पर देखिए रेट किस पर डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट देख ही रहे हैं। तो यहां पर न्यूमेरिकल समझना, यहां पर दिया गया है ए रिएक्शन इज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, मतलब कह रहा है कोई रिएक्शन है तुम्हारा कौन सा ऑर्डर है सेकेंड, मतलब कोई रेट ला लिखा गया रेट ऑफ रिएक्शन लिखा गया है और कह रहा कौन सा रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ए की पावर क्या कर दीजिए टू, ए बोलिए एक्स बोलिए वाई बोलिए कुछ भी बोलिए, कह रहा है सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ये कह रहा है कि वहां जो रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर कह रहा है। पूछा क्या है, पूछा गया रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, रेट जब आप उसको डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपसे कह रहा है कि आप फिर सुनिएगा कि ये रिएक्शन इज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, मतलब हमारा कोई रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर कह रहा है। पूछा हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, अगर आप इसको डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सिंपल सा फार्मूला है रेट इक्वल के, आप इसको डबल कर दिया तो यहाँ हो जाएगा टू के पावर टू, यहाँ क्या हो जाएगा रेट के फोर, समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ क्या आ रहा है फोर, तो कितना गुना हो गया फोर टाइम आपको क्या हो गया इंक्रीज हो गया। मीन्स पॉइंट को सुनना, यहाँ पे क्या होगा इनिशियल वन मानेंगे, वन से क्या हो गया फोर्थ हो गया, यहाँ पे देखिए जब आपने दो गुना किया तो दो गुना टू इंटू टू फोर हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज ट्रिपल, तीन गुना कह दिया जाए तो यहाँ पे क्या रखेंगे थ्री के पावर टू, तो कितना गुना रेट बढ़ेगा नाइन गुना। यदि कहा जाए कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज फोर गुना कर दिया जाए तो फोर गुना मतलब क्या हो जाएगा के फोर के पावर टू, कितना हो जाएगा सिक्सटीन। चलिए सेकंड पार्ट कह रहा है, पहला तो बोल दिया कि जब आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपने डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना हो गया फोर्थ गुना। सेकंड कह रहा है रिड्यूस टू हाफ, क्या कह रहा है कि हाफ कर दिए, तो हाफ में क्या होगा बच्चों
सा है, रेट क्या हो जाए हाफ करने पे के एक पावर टू, तो यहाँ क्या लिखें के वन बाई टू की पावर टू, यहाँ हो जाएगा वन अपान फोर। तो रेट क्या हुआ हमारा वन फोर्थ, क्या हुआ कम हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है। आपसे अगला प्रॉब्लम कहा जाए कि आपका कंसंट्रेशन वन बाई थ्री कम हो गया और सेकेंड आर्डर दिया गया है, तो वही फार्मूला लगाइए, रेट इक्वल क्या बोलेंगे के वन अपान थ्री का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाए वन अपान नाइन। आपसे कहा जाए कंसंट्रेशन वन फोर्थ कम हो जाए, क्या लिखेंगे वन अपान फोर्थ का स्क्वायर वन अपान सिक्सटीन। समझ में आ रहा है, चलिए इसको नोट करिए फिर आगे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि हमारा कोई रिएक्शन दिया गया है और रिएक्शन क्या है यहाँ पे ए से आपका पी बनना है, अब कह रहा है रिएक्शन आपका फर्स्ट आर्डर रिएक्शन है, कैसा आर्डर फर्स्ट आर्डर रिएक्शन है, तो कह रहा है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल तो रेट ऑफ द रिएक्शन पे क्या लिख पड़ेगा, तो पहले रेट लिख लीजिए, रेट बराबर क्या फर्स्ट आर्डर क्या लिखेंगे एक पावर वन। जब आपने कहा कि कंसंट्रेशन आपने डबल कर दिया तो टू की पावर वन क्या आ जाएगा टू, तो रेट भी डबल हो जाएगा, ट्रिपल करने पे ट्रिपल हो जाएगी, फोर गुना करने पे फोर गुना हो जाता है। बात सुनना, यदि आपसे कहा जाए कंसंट्रेशन हाफ कर दे तो रेट भी हमारा हाफ हो जाएगा, वन फोर्थ करेंगे वन फोर्थ भी हो जाएगा। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है आपको रिएक्शन दिया गया थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इफ द कंसंट्रेशन इज डबल तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखिएगा रेट इक्वल के एक पावर थ्री, ये थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, इसके पावर थ्री है, बोला डबल कर दीजिए तो टू की पावर थ्री, मतलब क्या हो जाएगा टू इंटू टू इंटू टू इक्वल क्या हो जाएगा एट, कितना गुना बढ़ जाएगा आठ गुना। बात समझ में आ रही बच्चों, चलिए अगले प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी इंटेक्स का प्रॉब्लम है, देखिए क्या लिखा गया है, दिया है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई फॉलो द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये कह रहा है हमारा एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा फॉलो कर रहा है सेकेंड ऑर्डर, रेट बराबर क्या लिखेंगे के एक्स की पावर टू, सेकेंड ऑर्डर बोला है। फिर आगे इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीजेस टू थ्री टाइम्स, कह रहा है कि आप इसको इंक्रीज कर दिया थ्री टाइम्स तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा थ्री टाइम्स आपने किया, कह रहा कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इंक्रीजेस टू थ्री टाइम्स, यहां क्या लिखेंगे के थ्री की पावर टू क्या जाएगा नाइन, नाइन आ जाएगा ना बच्चों, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने गुना हो गया नाइन गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो इस तरह बच्चों आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।